मेरा नाम रोहित है। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे परिवार में 4 भाई 2 बहन और माता पिता हैं। मेरी ज़िंदगी हमेशा की तरह चल रही थी, जैसे रोज़ सुबह उठना, पानी भरने जाना और घर का छोटा मोटा काम करना। और जब मेरी मम्मी घर का काम करके काम पर जाती, फिर मैं टूटी हुई झुग्गी में खेलने जाता। वहाँ पर मेरा सबसे अच्छा दोस्त रोहित था। मैं अक्सर पूरा दिन उसके साथ ही बिताता, खेलता कूदता। और जब मैं एक बार खेल कर घर गया और घर का काम करके वापस आया, तो वहाँ पर रोहित नहीं था। मैंने सोचा वो अभी आ जाएगा, तो मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलने लगा। पर पूरा दिन बीत गया लेकिन रोहित नहीं आया। फिर मैं उसके अगले दिन आया, तब भी रोहित वहाँ नहीं था, तो मैं बिन खेले ही घर चला गया। जब मैं तीसरे दिन आया, तब भी नहीं था। ऐसे ही करते करते पूरा 1 हफ्ता बीत गया लेकिन रोहित नहीं आया। फिर मैं उसके घर पर गया तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो डिपो पर बटरफ्लाइज नाम के एक एनजीओ में जाने लगा है। तो मैं वहाँ से घर चला गया। और जब मैं घर गया तो मेरी मम्मी ने मेरे से बोला कि बेटा रोहित राशन लिया। जब मैं राशन लेने जा रहा था तो रास्ते में रोहित मिला। मैंने रोहित से पूछा, अरे रोहित तू खेलने क्यों नहीं आता? तो उसने कहा कि मैं बटरफ्लाइज नाम के एक एनजीओ में पढ़ने लगा हूँ, जिसमें कि वो सब पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरा दोस्त ही पढ़ने जा रहा है तो मैं क्या करूँगा इधर खेल के। तो मैंने उससे पूछा कि रोहित कि मैं भी उधर पढ़ने आ सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो मैं कब से आऊँ पढ़ने? तो उनने कहा कल 2 बजे डिपो पर मिल जाइयो। और फिर मैं राशन लेकर घर चला गया। अगले दिन 2 बजे मैं जब डिपो पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक पीले रंग की बस खड़ी है और एक गोले में बैठकर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पर बैठ गया और पढ़ने लगा। और जब मैं अगले दिन गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे पैसे दे रहे हैं और कुछ बच्चे पैसे निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे मुझे पूरा 1 महीना हो गया और मुझे बटरफ्लाइज के प्रोग्रामों के बारे में पता चला। वो जो बच्चे पैसे दे रहे थे वो सीडी के नाम के एक बैंक में पैसे दे रहे थे, और जो हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे वो CHC नाम के एक कोऑपरेटिव के ऊपर बात कर रहे थे। ऐसा ही एक था स्पोर्ट्स, और जो मेरे को सबसे अच्छा लगता था। शुरू से ही मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं थी, खेल कूद में मैं ज़्यादा ध्यान देता था। और जब मेरे को पता चला कि वहाँ पर राजेंद्र भैया नाम के एक स्पोर्ट्स टीचर भी आते हैं, तो मैंने उनसे बात की कि भैया मेरे को खेल कूद बहुत अच्छा लगता है, और भैया ने मेरे को एक मौका भी दिया। तो मैंने अपनी पूरी जी जान लगा के खेला, और राजेंद्र भैया ने मेरे से कहा कि रोहित तुम बहुत अच्छा खेलते हो, और तुम अगर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम नेहरू स्टेडियम ज्वाइन कर लो, जो कि तुम्हें फुटबॉल की बहुत अच्छी कोचिंग देगा और तुम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हो। तो मैं घर गया, मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी मैं नेहरू स्टेडियम ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे डांटा कि तू पढ़ता लिखता तो है नहीं, खेल कूद में ही हमेशा ध्यान देता है, तू पहले पढ़ेगा जब ही तेरे को कहीं जाने दूंगी। लेकिन मम्मी ने ना ही कर दिया, तो मैंने रोकर बाहर चला गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं अगले दिन फिर मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को नेहरू स्टेडियम ज्वाइन करना है। मम्मी ने लेकिन मना कर दिया। तो मैं बार बार मम्मी को तंग करता, मम्मी ने तंग आकर आखिरकार बोल ही दिया कि रोहित तू जा नेहरू स्टेडियम ज्वाइन कर ले। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नेहरू स्टेडियम में एडमिशन बंद हो चुके थे। और इसी तरह मैं अपना टाइम भी बर्बाद हुआ और मैं अपना नेहरू स्टेडियम भी ज्वाइन नहीं कर पाया। इस घटना से मुझे ये सीख मिली कि ज़िंदगी में मौका बार बार नहीं आता।